एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हाउ आर यू ऑल? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज मैं जाने वाली हूँ अपनी ब्लैक जीन्स चेंज कराने। मैंने 2-3 दिन पहले एक जीन्स ली थी और मुझे लग रहा है उसका ना कलर निकलेगा, इसकी वजह से मैं उसको वापस करने जा रही हूँ। और अभी अभी मैंने सर धोया था तो मैं सर सुखा रही हूँ। एंड देख सकते हो आप कितने ज़्यादा बादल हो रखे हैं। पिछले 10 दिनों से यही मौसम चल रहा है, कभी भी बारिश हो जाती है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ठंड हो रखी है, तो ठंड नहीं हो रखी, मीडियम मौसम है। और कभी कभी हो भी जाती है ठंड। मैं 2-3 दिन पहले बाहर गई, तब मैं जैकेट पहन के गई थी, लेकिन आज थोड़ी सी हल्की सी गर्मी है। गर्मी नहीं कह सकते, मतलब मीडियम सा मौसम है, अच्छा मौसम है। तो चलते हैं बाहर, राधु का जाना है तो एक बार बाल सूख जाए मेरे। तो मैं बाहर आने का प्लान तो बना लिया, लेकिन बाहर आते आते ही बारिश स्टार्ट हो गई। एंड वो तो शुक्र है मैं अपने साथ अम्ब्रेला लेके आई हुई थी, मेरे को लगा था कि मौसम ख़राब ना हो जाए, एंड मेरा शक सही निकला। और इतनी ज़्यादा बारिश नहीं है, अगर मैं थोड़ी बहुत भीग भी जाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो लेकिन मैंने आज ही हेड वॉश किया था, मैं अपने बाल ख़राब नहीं करना चाहती थी, तो उसको बचाने के लिए मैं अम्ब्रेला साथ नहीं लाई थी। एंड अब मैं इसका यूज़ कर पा रही हूँ। आप लोग देख सकते हो कि अब बारिश तेज़ हो गई है, तो यहाँ पर सब लोग बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने बस एक गलती कर दी कि ना मैं वाइट कलर के सैंडल्स पहन के आ गई, अब ये गंदे ना हो जाए। दिस इज़ द जीन्स जो मुझे चेंज करानी है। तो जीन्स वापस हो चुकी है। तो क्या हुआ कि ना मैंने ना जो पे किया था वो मिरपे से किया था, एक यहाँ का रशिया का ही ऐप है, तो उससे पे किया था मैंने। तो चेक में ना कुछ और कार्ड नंबर दिखा रहे थे और मेरा कार्ड नंबर कुछ और है, तो देखते हैं क्या होगा। 3 से 10 दिन में बोल रहे हैं पैसे वापस आ जाएंगे, आई होप सो आ ही जाएंगे वैसे तो। और जब तक मैं जीन्स वापस करके आई, देख सकते हैं आप बारिश में रुक चुकी है। तो थोड़ी देर की बारिश, हल्की फुल्की बारिश होती है यहाँ पे, इतना कुछ भिगाने वाली नहीं होती। वो तो मुझे अपने बाल बचाने थे इसलिए मैंने अम्ब्रेला यूज़ किया। जब भी मैं इस जगह से गुजरती हूँ ना, तो मुझे ना वैष्णो देवी की याद आ जाती है। वैष्णो देवी माता पे जब हम जाते हैं, तो मैं गई तो नहीं कभी, लेकिन मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है, उसमें थोड़ा बैकग्राउंड इस तरीके का ही दिखता है। और मेरी फ्रेंड गई है तो उसने भी बताया था, तो मुझे उसी की याद आ जाती है जब भी मैं इस जगह से गुजरती हूँ। तो ये चर्च आपने बहुत बार मेरी वीडियोस में देखी होगी, लेकिन अंदर से कभी नहीं देखी होगी। आज मैं अंदर से दिखाऊंगी। तो सबसे पहले ये जीसस क्राइस्ट का स्टैचू बना हुआ है फूलों के बीच में। पूरा अंदर चलते हैं, अंदर से भी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को थोड़ा सा, अगर शूट कर पाई तो। तो काफ़ी रिलैक्सिंग है, बहुत शांति है अंदर, तो चलते हैं अंदर। तो अंदर से ऐसे दिखती है चर्च, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। एंड ये मैं यहाँ पे हम कोई भी विश लिख सकते हैं, बहुत सारे पेपर्स रखे होते हैं और पेन भी होते हैं साथ में, तो हम अपनी विश लिख कर यहाँ छोड़ सकते हैं। तो जो फादर होते हैं जो प्रेयर करते हैं, तो वो अपने साथ लेके चले जाते हैं इनको पता नहीं कहाँ, पर मैं जितनी बार भी जाती हूँ अब मैं कुछ ना कुछ हमेशा लिख के आती हूँ वहाँ पे, तो मुझे लिखना अच्छा लगता है। और मैंने क्या लिखा ये तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि ये तो विश हमारी होती है, तो किसी को नहीं बताना चाहिए जो हमें चाहिए। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा शांति है कि हल्की सी आवाज़ भी यहाँ पे गूंज रही है, तो चर्च के अंदर काफ़ी ज़्यादा शांति होती है, कोई शोर नहीं होता। तो यहाँ पे मैं प्रेयर कर रही हूँ एंड लोग यहाँ पे कैंडल्स जला के जाते हैं मोस्टली। चर्च के अंदर ये छोटी सी शॉप है जहाँ से आप जीसस क्राइस्ट की कोई भी फ़ोटो ख़रीद सकते हैं। चर्च में जाना भी काफ़ी रिलैक्सिंग होता है, तो मैं थोड़ी देर अंदर बैठ के आई, मतलब बिल्कुल शांति थी। तो कुछ सब कुछ भूल जाते हो आप जब अंदर जाते हो, तो मंदिर तो है नहीं यहाँ पे, तो चर्च में जाना काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग लगता है मुझे कभी कभी। तो आज संडे था तो हॉस्पिटल भी नहीं जाना था, तो मुझे हॉस्पिटल जाना होता है सिर्फ हफ्ते में 3 दिन, ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, तो बाकी 3 दिन फ्री होते हैं। तो आजकल क्लासेस तो चल नहीं रही ना, तो मैं यहीं आ जाती हूँ कभी कभी संडे वगैरह को। तो ये मैं खाना बनाने की तैयारी में, तो आज मैंने बनाई लौकी एंड साथ में रोटियाँ। तो यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे सेल्फ कुकिंग ही करते हैं, क्योंकि मैस यहाँ पे कोई ऑफिशियल मैस अवेलेबल नहीं है, तो सब सेल्फ कुकिंग ही करते हैं। मुझे भूख लगी नहीं थी तो मैंने सोचा खाना खाने से पहले मैं थोड़ी सी पढ़ाई कर लेती हूँ, पढ़ाई की थोड़ी सी शिफ्ट लगा लेती हूँ, उसके बाद खाना खाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने फार्मा पढ़ी थोड़ी सी, फिर खाना खाया, काफ़ी यम्मी बना था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड फिर मैं दोबारा से पढ़ने बैठ गई, तो बस यही किया मैंने आज। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।